हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटरलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग देखेंगे कि जो स्वेज नहर बंद हो गया है एक्सीडेंट के कारण, दुर्घटना के कारण, उसके क्या क्या जो है विश्व व्यापार पे जो प्रभाव पड़ेंगे और उसके कारण जो है सो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या महंगाई बढ़ सकती है और किन किन चीज़ों पर उसका असर पड़ सकता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो डालें तो वो आप तक पहुंच सके और उसकी जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो स्वेज कनाल जो है उसका निर्माण कार्य जो है सो 1858 में प्रपोज किया गया, चालू हुआ, और उसका जो निर्माण कार्य है वो कंप्लीट हुआ 1869 में। इसमें दो कंपनी, देश की कंपनियां जो थी सो इन्वॉल्व थी, एक फ्रांस की और दूसरी ब्रिटेन की। इन दोनों देशों की कंपनियों ने मिलकर इसे बनाया। ये पहले एक प्राइवेट कनाल था जिसको कि बाद में इजिप्ट जब आज़ाद हुआ, मिस्र जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद उसने नेशनलाइज कर दिया, राष्ट्रीयकरण किया इसका। तो यहाँ पे जो है सो स्वेज कनाल के थ्रू जो है सो बहुत सारा व्यापारिक चीज़ों का आवागमन होता है। ये जो है सो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्वेज कनाल है, ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है, जिसके कारण कि जो शिपिंग को, जो भी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को जो है सो पूरा जो है दक्षिण अफ्रीका जो है महाद्वीप उसका चक्कर नहीं लगाना पड़ता है, जिसके कारण कि 9,000 किलोमीटर का जो अतिरिक्त सफर है वो नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि ये जानते हैं आप लोग सभी कि ये एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका हो, चाहे फिर वो अरबियन पेनिनजुला हो, चाहे फिर सिनाई पेनिनजुला हो, ये सारा जो क्षेत्र है वो डेजर्ट है, मरुस्थली है। तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं, अंधड़ चलती है, जिसके कारण कि वो बड़ी बड़ी चीज़ों को भी हिला सकती हैं, उसे एक इधर से उधर कर सकती हैं। तो यहाँ पे हुआ यही जो MV एवर गिवेन है, MV एवर गिवेन, ये जो शिप थी सो वहाँ से क्रॉस कर रही थी स्वेज कनाल से, और इसकी जो लंबाई है वो 400 मीटर की है। वो आगे हम लोग देखेंगे कि 400 मीटर लंबाई कैसे है और क्या है। तो ये जो लंबाई है ये स्वेज कनाल की जो चौड़ाई है, जो स्वेज कनाल की चौड़ाई है 313 मीटर है, उससे बहुत ज़्यादा है। तो ये जब हवा चली एक तरफ से तो उसके कारण ये ड्रिफ्ट कर गई और मुड़ गई, और मुड़ने के कारण क्या हुआ कि इसके आगे का भाग और पीछे का भाग दोनों अलग अलग किनारों पे स्वेज कनाल के लड़ गया, जिसके कारण कि वो लैंड कर गया, जमीन को, सतह को छू गया, जिसके कारण कि क्या हुआ कि वहाँ पर वो अब हिलडुल नहीं सकता है, अपने बलबूते चल नहीं सकता है, और उसे खींच कर भी निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। तो उसके कारण भी वहाँ पर बहुत सारी मशीनें, ड्रेजिंग मशीनें लगाई गई हैं, टग बोट्स लगाए गए हैं उसको खींच कर निकालने के लिए, खुदाई कर कर निकालने के लिए, लेकिन इसमें समय लगेगा, 3-4 दिन का समय ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ पे जो साउथ बैंक है यहाँ पे ऑलरेडी 250 से ज़्यादा जहाज खड़े हो चुके हैं, नॉर्थ एंड पे जो है सो ऑलरेडी बहुत सारे जहाज वहाँ पर भी खड़े हैं, इसके कारण वहाँ पर एक जाम की परिस्थिति बन चुकी है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या सिचुएशन है। तो ये देख रहे हैं आप लोग कि ये एवरग्रीन कंपनी का MV एवर गिवेन जहाज है। ये देखते हैं कि ये जो ईस्ट साइड है, पूर्वी क्षेत्र है, ये है सिनाई पेनिनजुला का एरिया, ये इजिप्ट का एरिया है वेस्ट साइड। और यहाँ पे क्या हुआ कि ये आप ग्रीनरी देख रहे होंगे, लेकिन ये है मरुस्थली क्षेत्र। ये एक कनाल है जो कि नाइल नदी से जो है सो पानी लेकर आता है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में जो है सो बहुत सारी बसावट है, जनसंख्या है, ताकि ये कनाल को सुचारू रूप से चला सके और उसके में आवागमन को बाधा रहित चला सके। तो इसके कारण इन लोगों को भी फ्रेश वाटर की जरूरत थी, शुद्ध पानी की जरूरत थी, प्योर पानी की जरूरत थी, और यहाँ पर खेती की जरूरत थी, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत थी, जिसके कारण कि ये कनाल जो है सो बनाया गया है स्वेज कनाल के पैरेलल में, उसके समानांतर में, ताकि यहाँ पर जो शुद्ध पानी का जो है सो अवेलेबिलिटी इंश्योर किया जाए। तो ये देख रहे हैं कि आप जो है सो MV एवर गिवेन जो है सो सट गया है, ये एक्सिस है, तो मैक्सिमम डेप्थ जो है सो एक्सिस में ही है, उसके बाद जो साइड में जो है सो धीरे धीरे हाइट स्लांट होते जाता है, जो प्रोफाइल है कनाल का हम लोग आगे देखेंगे। तो उसके कारण क्या है कि ये जैसे ही टिल्ट हुआ उसके बाद ये लैंड कर गया, जमीन को, सतह को छू गया, उसके कारण यहाँ पर जाम लग गई है। तो आइए देखते हैं कि इसका जो शिप का कॉन्फिग्रेशन क्या होता है। तो शिप में होता है एक
लेंथ बिटवीन द परपेंडिकुलर्स, लेंथ बिटवीन द परपेंडिकुलर्स यानी कि परपेंडिकुलर्स के बीच का जो लंबाई होता है वो होता है आपका जहां पर परपेंडिकुलर अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं और ये जो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जहां पे टच करता है जो एंड टू एंड हमारा जहां पे ये सामने का भाग है यहां पे जो है सो परपेंडिकुलर लेंथ यहां पर है, तो जहां पे जो बॉटम ऑफ द शिप का जो लाइन है और जो परपेंडिकुलर का लाइन है वो मैच करता है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। ये जो लंबाई है कुल लंबाई से जहाज की कम होती है और जो कुल लंबाई है यहां पर टोटल लेंथ है ओवरऑल लेंथ ये जो है इसकी 400 मीटर है और ये एक हेवी कार्गो शिप है, कंटेनर शिप है जिसमें कि बहुत ज़्यादा ही डेड वेट है, ड्राउट वेट ज़्यादा है। तो ये इसकी डेप्थ की जो है यहाँ पर फ्री हेड यहाँ पर जो कि सी सरफेस से वाटर सरफेस से जो बाहर रहता है लोड करने के बाद भी उसे कहते हैं फ्री बोर्ड। और ये है समर लोड, समर लोड लाइन मतलब कि जहाँ तक पानी का सतह आ जाता है लोडिंग करने के बाद उसे कहते हैं समर लोड। तो यहाँ पर देखते हैं अब हम लोग कि ये कनाल का क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो कनाल का ये जो है ये क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल है, मतलब कि ये एक्सिस हो गया कनाल का और ये जो है सो इसका क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल है। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल था उसमें जो बॉटम कनाल का जो सतह है उसकी चौड़ाई जो थी वो 36 मीटर थी 1956 में, और उस समय तक उतने बड़े बड़े जहाज नहीं थे तो ये एकोमोडेट कर लेता था। बट जैसे जैसे विश्व व्यापार बढ़ता गया, जनसंख्या बढ़ती गई, उसके कारण जो हुआ सो शिपिंग इंडस्ट्री में बड़े जहाज़ों को लाया जाने लगा, बनाया जाने लगा। उसके कारण क्या हुआ कि स्वेज कनाल बहुत सारे बड़े जहाज़ों को अपने थ्रू पास नहीं करवा सकता था। इसके कारण जो है सो इसकी डेप्थ बढ़ाई गई, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाया गया, इसकी वाटर कैपेसिटी बढ़ाई गई, क्योंकि जो पानी है वो बॉयंसी फोर्स देता है तो पानी जितना रहेगा उसी के हिसाब से बॉयंसी फोर्स मिल पाएगी और तभी जो है सो जहाज फ्लोट कर पाएगा। तो इसके कारण जो है सो इसका प्रोफाइल बढ़ाया गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो 1956 में इसका 1200 मीटर स्क्वायर था उसे 1980 में बढ़ाकर 3600 मीटर स्क्वायर किया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका बॉटम सरफेस का जो विड्थ है उसको बढ़ा के 107 मीटर किया गया और इसका जो सरफेस विड्थ है उसको बढ़ा के 263 मीटर किया गया। तो पहले जो थी सो इसकी कैपेसिटी थी 30,000 डेड वेट टनेज का शिप तक को ये एकोमोडेट करने की, वो जो है सो 1980 में बढ़ के 1.5 लाख डेड वेट टनेज हो गई, 2001 में इसको बढ़ा 2,10,000 डेड वेट टनेज किया गया और उसके बाद 2010 में इसे फिर से बढ़ाकर 2,40,000 डेड वेट टनेज किया गया। तो इसमें ड्रेजिंग और खुदाई के थ्रू इसे बढ़ाया जाता रहा है और अभी जो प्रेजेंट प्रोफाइल है उसमें इसका सरफेस विड्थ जो है वो 313 मीटर है, जबकि हमारा जो शिप जो था वो कितना था 400 मीटर और इसका जो बॉटम सरफेस का जो विड्थ है वो है 121 मीटर। टोटल इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हो गई है 5200 मीटर स्क्वायर। तो इसमें जो है सो देख सकते हैं आप लोग कि इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके कारण क्या हुआ कि शिप जो है सो लैंड कर गई। अब यहाँ पे जो है जब ट्रैफिक रुक गई है तो उसके कारण दिक्कत क्या हुई, ये आप देख रहे हैं जो येलो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ये मेडिटेरेनियन सी का एरिया है, ये आपका इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलाका है। तो मेनली ये जो रूट है ये स्ट्रेट ऑफ मलाका, साउथ चाइना सी, ईस्ट एशिया और ये स्वेज कनाल रेड सी का रूट है, एक मेजर ट्रेड रूट है वर्ल्ड ट्रेड के लिए। तो इसके थ्रू जब जो कार्गो शिप्स और जो भी ट्रांसपोर्ट होता है तो उसकी जो लंबाई है जो डिस्टेंस कवर करते हैं या फिर वो अगर केप ऑफ गुड होप के थ्रू करते हैं तो उसके बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस आता है 9000 किलोमीटर का, और ये 9000 किलोमीटर कार्गो शिप्स को कवर करने में, ट्रेवल करने में 12 दिन का समय लगता है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आप ज़्यादा दूरी तय कर रहे हैं तो ईंधन ज़्यादा जलेगा, 12 दिन की आपको जो है सो एक्स्ट्रा टाइम लग रही है, यानी कि आपके क्रू मेंबर्स की तनख्वाह है, उनके रहने खाने की व्यवस्था है, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लस क्या है कि यहाँ पे आप 12 दिन कम अगर ये करते हैं ट्रेवल तो बहुत सारे पोर्ट ऑफ कॉल होते हैं। पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब क्या होता है कि ऐसे बंदरगाह जहाँ पे शिप जो है सिर्फ रसद लेने के लिए, दाना पानी के व्यवस्था को पूरा करने के लिए और ईंधन लेने के लिए रुकती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब 12 दिन एक्स्ट्रा ट्रेवल करेंगे तो उसमें भी खर्चा बढ़ेगा, उसके कारण अब क्या होगी कि वर्ल्ड ट्रेड जो है सो इसमें दिक्कत आ रही है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो कमोडिटी के दाम बढ़ेंगे और इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है
क्रूड ऑयल को, कच्चे तेल को, क्योंकि ये जो नॉर्थ अफ्रीका का रीजन है आपका, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, टूनिसिया, मोरक्को, ये भी जो भी हैं, ये सारे जो हैं सो कच्चे तेल के प्रोड्यूसर्स हैं। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अरबियन पेनिनजुला का जो भी एरिया है, ये भी कच्चे तेल का प्रोड्यूसर है। तो इधर का तेल अब ना इधर जा सकता है इजिली, क्योंकि उसे इधर से घूम के जाना पड़ेगा, और यहाँ का तेल इधर आसानी से नहीं आ सकता, इधर से जाना पड़ेगा। तो इसके कारण एक जो है सो प्राइस डिफरेंस आएगा। तो कुछ एरियाज में हो सकता है कि तेल के दाम कम हो जाए, लेकिन जो मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन है यही है। तो बेसिकली हमें जो पता है कि यहाँ पे ईस्टर्न अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका में, या फिर इधर नॉर्थ अमेरिका में, इन सब रीजन्स में चांसेस है कि तेल के दाम बढ़ जाएंगे। तो ये परिस्थिति फिलहाल बनी हुई है। हालांकि यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि उस शिप को जल्दी से निकाला जाए। मेरेसेक कंपनी ओहियो कनाडा के लोग जो हैं, इंजीनियर्स जो हैं, सो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो इसको ड्रेजिंग करके और टगबोट के थ्रू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, उससे वो लोग उस लाइन को क्लियर, स्वेज कनाल को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में होगा क्या कि उन्हें जो है सो फिर उसे अनलोड करना पड़ेगा। और अनलोड करने में अब इस शिप पे जो है सो लगभग 32,000 कंटेनर्स लोड हैं, और 32,000 कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता है। अगर एक ट्रक में एक सिप कार्गो के कंटेनर को हम लोग लोड करते हैं, तो सोचिए 32,000 ट्रक की ज़रूरत है। तो ऐसे सिप अगर यहाँ पर लाकर उतारते चढ़ाते भी हैं, तो भी इसमें एक दो हफ्ते का समय आराम से लगेगा, और उसके कारण यहाँ पर फिर जो है सो जाम जो है साउथ बैंक एंड पे कनाल के और नॉर्थ एंड पे बढ़ता जाएगा। उसके बाद फिर जब अगर ट्रैफिक खुलेगी भी, तो ट्रैफिक को क्लियर करने में बहुत टाइम लगेगा, जिसके कारण कि फर्दर जो है सो वर्ल्ड मार्केट में चीज़ों की दाम बढ़ते जाएंगे और महंगाई बढ़ती जाएगी। तो ये परिस्थिति बनी हुई है। बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वेबसाइट को विजिट करें, और किसी भी क्वेरीज के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए या इस नंबर पर कॉल कीजिए। धन्यवाद।